हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा और निशाज कुजीन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गए, राखी आने वाली है। बाहर का मौसम ऐसा है कि हम बाहर की चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम के लिए घर में इकोनॉमिकली कम टाइम में कम मटेरियल में जो मिठाई तैयार हो जाए उससे बेहतर और क्या होगी। तो ऐसी ही एक सीरीज़ मैं लेकर आई हूँ, राखी स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ आटे का मिल्क केक। आप भी इसे बनाएं, एंजॉय करें और हमें बताएं कि ये घर की ही इंग्रेडिएंट से, घी और आटे से ये मिल्क केक बनकर तैयार हुई है, तो कैसी बनी है आप भी ट्राई करें और इस फेस्टिवल सीज़न को एंजॉय करें। साथ साथ में हमें अपने कमेंट्स में ये बताएं कि आपने इसे बनाया और अगर बनाया तो आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल इजी रेसिपी है और हर घर में आटा अवेलेबल होता है। बस 10 मिनट दें अपने किचन को और आपके सामने एक अच्छी सी प्लेट तैयार हो जाएगी मिल्क केक की और आपका फेस्टिवल भी सुपर फेस्टिवल बनकर आपके सामने आएगा, जिसमें स्वीट्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बनाते हैं ये मिल्क केक, आटे का मिल्क केक। फ्रेंड्स, हम ये जो आटा की मिठाई बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए वो है आटा, पाउडर शुगर, मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स और घी। उसके लिए सबसे पहले मैं आटे की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसे गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आटे को, जो 1.5 कप आटा है उसको कढ़ाई में डाल रही हूँ भूनने के लिए। इसमें मैं घी डालूंगी 1 कप से थोड़ा कम। मेज़रमेंट, सारे मेज़रमेंट एक ही कप से लें ताकि आपका मेज़रमेंट सही आ सके, क्योंकि सही मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी होता है स्वीट्स को या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। इसे हम बहुत अच्छे से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे तब तक इसे हम भूनेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम भूनेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। इसे हम यूं दबा दबा कर अच्छे से भून लेंगे। ये सारी मिठाइयाँ हमारी मम्मी लोग बनाया करती थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बट तब ये मिठाई हमें मम्मियाँ घर की बर्फ़ी, आटे का हलवा बोलकर खिला देती थी, बट इसी को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में हम बना रहे हैं। इसमें हम दूध नहीं डाल रहे हैं, इसमें हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं ताकि हमारा मिठाई ये ज़्यादा दिन तक रह सके। इसमें दूध डालकर अगर हम बनाते हैं तो वो हलवा वाला टेस्ट देता है और उसे ज़्यादा दिन तक हम स्टोर भी नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि इसमें हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो ये काफ़ी दिनों तक स्टोर हो जाता है और ये टेस्ट भी इसका आटा वाला नहीं आता है। इसी तरीके से हम इसे थोड़ा पेशेंसली भूनेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आटे की, सोंधा सोंधा सोंधी सोंधी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है इसकी।
इसी तरीके से हम थोड़ा सा दबाते दबाते ही इसे अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल भुनकर तैयार है। इस स्टेज पे हम गैस बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। ये हमने राखी स्पेशल होममेड स्वीट्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको इजी से इजी होममेड स्वीट्स की रेसिपी मिलेगी और ऐसे स्वीट्स जो इजीली घर में अवेलेबल हो, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, बाहर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और हमारा हर बात के लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, बट फेस्टिवल सीजन है तो हमें फेस्टिवल तो मनाना है, तो उसे घर पे उपलब्ध सामान से ही मनाएं और अच्छे से मनाएं। तो सबसे पहले ये आटा जो घी, मिल्क पाउडर, शुगर सबके घर में अवेलेबल होता है, शुगर को पीस कर मैंने शुगर पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट गुड़ से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ये मिठाई और ऑलरेडी अभी गर्मी बहुत है। जब सर्दियों में आप इसी मिठाई को बनाएं तब आप उस वक्त गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे गैस से उतार लिया है। अब इस स्टेज पे मैं गरम गरम में ही मिल्क पाउडर डालूंगी। मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, ये दूध का सब्स्टिट्यूट है बट टेस्ट बहुत ज़्यादा उसकी अपेक्षा इन्हांस करता है। यूं दबाते हुए आप इसे मिक्स करें ताकि घी अच्छे से सारे में एब्जॉर्ब हो जाए। यूं दबाते हुए इस तरीके से, चाहे कोई भी स्पून हो उसे आप इस तरीके से चलाएं ताकि दब दब कर आटे का जो घी है वो मिल्क पाउडर के साथ मिक्स हो जाए, तभी हमारा ये आटे का मिल्क केक अच्छा टेक्सचर देगा। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और खुशबू की तो बस पूछिए मत, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरीके से हम इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ओ वाह, इलायची पाउडर, घी, आटा, इसकी खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। इस तरीके से पूरा दबा दबा के मुझे इसे मिला लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये पूरा मिक्सर मिल गया है। अब इस मिक्सर में गर्म गर्म कंडीशन में ही हम अपना पाउडर शुगर जो है उसे डाल देंगे और उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम गरम में हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि ये हमारा मिल्क केक को जमाने में मदद कर सके। हम यहाँ कोई चाशनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी मदद से ही इस मिठाई को जमानी है। इसे बहुत अच्छा से दबा दबा कर हमें मिलाना है ताकि इसकी में जो घी पड़ा हुआ है वो पूरी तरह से बाहर को निकल कर आ जाए। इस स्टेज पे हम, आपके पास कोई भी इस तरह का जो दबाने वाला चीज़ है उससे दबाएं ताकि इसके अंदर जो घी एब्जॉर्ब है वो बाहर निकल कर आ सके। इस तरीके से थोड़ी देर हमें इसे गर्म गर्म में ही दबाना है। इस मिक्सचर को हमें ठंडा नहीं होने देना है, अगर ठंडा होने लगे तो थोड़ी सी गैस पे चढ़ा लें, बट इसे ठंडा नहीं होने देना है जब तक इसे हम सेट करने के लिए ट्रे में नहीं डालेंगे। तब तक इसे अच्छे से इसमें ही
मिक्स करना है गरम गरम कंडीशन में ही। ये देखें हमारा ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे अब मैं ट्रे में सेट होने के लिए डालूंगी। इस तरीके से मैंने ट्रे में एक पॉलीथीन को काट कर लगा लिया है। आप अपनी मर्जी से एल्युमिनियम फॉइल, बटर पेपर कुछ भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको ट्रे में से निकालने में इजी हो। इसे ट्रे में सेट करके 2 से 3 घंटे के लिए आप रख दें, या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर ही रहने दें, या फिर आप इसे ज़्यादा जल्दी है तो फ्रीज में डालकर सेट कर सकते हैं। इसके अंदर का घी और शुगर जो है इसे बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा ट्रे में। इस तरीके से दबा दबा कर इसको हम फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ इस ट्रे में फैला लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर दूंगी। आप भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ पिस्ता डाला है। आप अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे यूँ दबा देंगे ताकि हमारा ड्राई फ्रूट इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारा ये मिक्सचर पूरी तरह से रेडी है सेट होने के लिए। अब इसे हम यूँ पॉलीथीन से ढक देंगे और 2 से 3 घंटा के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये हमारा किस तरह का तैयार हुआ है। 3 आवर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये आटा मिल्क केक किस तरीके से जमा है। देखिए ये परफेक्टली बहुत अच्छे से जम चुका है। अब इसका इसको हम बोर्ड पे निकाल के कट करेंगे। देखिए इसे अब हम कट कर लेंगे। देखिए ये कितना खूबसूरत कट कर निकल रहा है हमारा। ये देखिए हमारा मिल्क केक पूरी तरह से तैयार है। आप इसे आराम से 10 to 15 days रख कर खा सकते हैं। ये बहुत यमी तैयार होता है और चूंकि आटे से बना है, हर कुछ होममेड है इसमें यूज़, तो हेल्दी भी है और हमारे लिए ये इकोनॉमिक भी है कि घर की सारी चीज़ों से ये हमारा स्वीट्स तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारा ये आटे का स्वीट्स, आटे का मिल्क केक जो मैंने बनाया है वो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे दिखलाएं और बताएं ताकि घर के सामान से कुछ अच्छी चीज़ें बन सके और इकोनॉमिकली भी लोगों के लिए अच्छा हो। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़े और हमारा फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।